ये मोटिवेशनल कहानी है अर्थुर आशे की। अर्थुर आशे 19 के दशक में एक टॉप प्रोफेशनल अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे और वो एकमात्र ऐसे ब्लैक मैन थे जिन्होंने यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन कप तीनों ट्रॉफीज जीती थी। 1983 में एक हाथ सर्जरी के दौरान उन्हें जो खून चढ़ाया गया वो किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का था, जिसकी वजह से उन्हें एड्स की बीमारी हो गई। 1992 में उन्होंने अपनी बीमारी को सार्वजनिक रूप से सबको बता दिया। अर्थुर के फैंस को जब ये बात पता चली तो दुनिया भर से उनके फैंस और उनके प्रति संवेदना रखने वाले लोग उन्हें लेटर्स लिखा करते। एक बार ऐसे ही उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखने वाले ने उनसे पूछा कि भगवान ने इतनी बुरी बीमारी देने के लिए सिर्फ आपको ही क्यों चुना। तो इस सवाल के जवाब में अर्थुर ने लिखा, इस पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, उनमें से 50 लाख बच्चे प्रोफेशनल टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से 5 लाख प्रोफेशनल टेनिस की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनमें से 50,000 प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, जिसमें से 5,000 ग्रैंड स्लैम तक जाते हैं और फिर 50 विंबलडन तक पहुंचते हैं, जिसके बाद 4 सेमीफाइनल में और 2 लोग फाइनल में आते हैं। और जिस वक्त मैंने फाइनल जीता और उस विनिंग ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो मैंने कभी भगवान से ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। और आज जब मुझे ये बीमारी है तो आज भी मुझे भगवान से ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं ही क्यों। 1992 में अपनी बीमारी को सार्वजनिक करने के बाद अर्थुर आशे लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगे। 6 फरवरी 1993 में अर्थुर आशे की डेथ हो गई। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जब हमारी लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा होता है और सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, तो उस वक्त हम कभी किसी को नहीं पूछते, ना ही भगवान को और ना ही अपने साथ रहने वाले लोगों को। लेकिन जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें हर किसी की याद आ जाती है और हम में से अधिकतर लोग अपनी परेशानियों का जिम्मेदार भगवान को बना देते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी गलत हुआ वो बस ऊपर वाले ने ही किया है। अपने अच्छे वक्त में हम ना ही कभी भगवान को याद करते हैं और ना ही उन लोगों को जो मुसीबत के समय हमारा साथ देते हैं। आपका वक्त अच्छा चल रहा हो या बुरा, लेकिन कभी भी उन लोगों को ना भूले जो मुसीबत में आपका साथ देते हैं और आपकी मदद करते हैं। अच्छा बनिए, अच्छी सोच रखिए और हमेशा लोगों की मदद करें।